फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह फैंसी ज्वेलर्स परकोटा सागर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले दिनों बीएलसी हितग्राहियों की सूची में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद से 48 वार्डों के हितग्राहियों की किस्तें रुकी हुई हैं और सभी को अपनी किस्तें मिलने का इंतजार है। आवास की राशि नहीं मिलने से किसी के आवास का निर्माण कार्य रुका हुआ है तो कई लोगों को अपने आवास का छज्जा ढलवाने का इंतजार है। तो जहां आवास की स्वीकृति को लेकर कई हितग्राहियों ने अपने कच्चे घर गिरा दिए थे, तो अब वह भी जैसे तैसे करके गुजारा करने को मजबूर है। ऐसी ही समस्याओं को लेकर नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने भाजपा के पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ संभागायुक्त आनंद शर्मा से मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा। जानकारी देते हुए नगर विधायक ने बताया कि ऐसे 5000 हितग्राही हैं जो आवास की समस्या से जूझ रहे हैं। कलेक्टर के पास से अनुमोदित होकर स्वीकृति भी हो गई है, लेकिन उस सूची में कुछ वार्डों को लेकर आपत्ति है, जिस वजह से सभी हितग्राहियों को मिलने वाले भुगतान पर रोक लगा दी गई है और हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं होता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ये दीपावली है, उसके पूर्व धनतेरस है जो बहुत बड़ा त्योहार है। इनका रोना यही है कि जो अनुमोदन सूचियां हैं ये जहां पर कुछ ये प्रधानमंत्री आवास योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है बीएलसी, बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन वाले जो हमारे हितग्राही हैं उनकी लगभग 5000 हितग्राहियों की सूची माननीय कलेक्टर महोदय से अनुमोदित होके और स्वीकृत हो गई है, लेकिन उस सूची में कुछ वार्डों को लेकर आपत्ति है। उस आपत्ति के मद्देनज़र पूरी की पूरी सूची पे भुगतान पे रोक लगा दी गई है। इससे हमारे हितग्राही बंधु बांधव जो हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्हें अभी बारिश का भी सामना करना पड़ा, उसके पहले धूप का भी सामना करना पड़ा और खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। ऐसे तमाम हितग्राहियों के दुख को प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ आयुक्त महोदय से मिलने आए थे, संभागीय आयुक्त से। उनसे हमने गुहार लगाई है कि वो नगर पालिक निगम को निर्देशित करें कि जिन वार्डों में किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है ऐसे वार्डों की सूचियाँ जो हैं दीपावली के पहले अविलंब जारी करें ताकि हितग्राहियों को लाभ मिल सके। कितने वार्डों में ऐसी इस तरह की अनियमितताओं की शिकायत 3-4 वार्ड में ही आई है, लेकिन 48 के 48 वार्डों की सूची पे रोक लगा दी गई तो मुझे लगा कि ये उचित नहीं है। तो आज हम अपने तमाम नगर के जो पार्षदगण हैं उनके साथ आयुक्त संभागीय आयुक्त से मिले हैं और उन्हें हम लोगों ने बात की है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसका निराकरण हो जाएगा। अगर निराकरण नहीं होता है तो दीपावली के बाद हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए हम लोगों ने आज बातचीत की। हेमंत नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह फैंसी ज्वेलर्स परकोटा सागर।